टू द प्रिंसिपल, टू द गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सलामतपुर। देखिए एक लिख रहे हैं अपन सिकली की, अब इससे तीन चार एप्लीकेशन बन जाएंगी, एक ही करने, बस एक एक लाइन चेंज करना है। पहले अपन सिकली की लिख ले रहा है ना, अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो एन एप्लीकेशन और सिकली, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे सर, आई वेट टू से नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, अगर बेग लिखते हैं तो बी ए जी बेग लिखे आते हैं बच्चे, बी जी बेग होता है तो ये अधिकतर गलत कर देते हैं। अपन लिखेंगे, अब देखो सर लिख दिया, इसके नीचे से लिखेंगे आई हैव टू से, आई हैव टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ए भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। I have to say that I am a student of class 9th A, है ना? I am ill, so I cannot come to school. या attend the class भी लिख सकते हो, come to school. ये हो गया, आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अपन ये वाली, है ना, जैसे ये जगह बच रही है ना, काइंडली यहां से नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, अब जितने दिन की उन्हें पूछी है, टू डेज थ्री डेज है ना, तो टू डेज ये हो गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद योर्स ओविडेंटली नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे इसकी सीध में ही योर्स स्टूडेंट, योर्स स्टूडेंट, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अगर उन्होंने नाम पूछा है तो नाम लिख देंगे आप, और नाम नहीं पूछा है तो एक्स वाई जेड। और इसमें एक चीज और है, इसके नीचे टू के नीचे ही आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से डेट लिख दो आप।